हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेंगे फ्रंट पार्ट का। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का फोर्थ पार्ट करना है प्लस 3 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फ्रंट ओपन है तो हाई हुक के लिए हमें 1/2 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए जैसे हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेते हैं उसी तरह से हमें मेजरमेंट लेना है। तो लेंथ रखी है मैंने तैयार ब्लाउज के लिए 12.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। और एक डीप नेक है हमारा तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 32 है तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, ऐसी चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये डीप नेक ब्लाउज है तो 1/2 इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हम बैक पार्ट का आर्म होल की गोलाई देनी है। फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई हम बाद में देंगे, स्टिचिंग के बाद देते हैं। अब वेस्ट में लेना है, कमर का मेजरमेंट है हमारा तो वेस्ट आ रहा है 26, तो उसी के हिसाब से 6.5 इंच 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट का और 1.5 इंच मार्जिन का। अब फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देनी है तो देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हैं, फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देंगे, लेकिन हम आर्म होल स्टिचिंग के बाद ही कट करते हैं प्रिंसेस कट को, प्रिंसेस ब्लाउज को अभी कट नहीं करेंगे। अब नेक का मेजरमेंट लेंगे, नेक फिथ में रख रहे मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे मैं 6 इंच और नीचे से फिथ में 2.5 इंच रखते हुए साथ चौकून बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। अब प्रिंसेस कट का मेजरमेंट लेना है, 3.5 इंच रखा है मैंने नीचे से फिथ में और ले डाट का आ रहा है मेरा 9 इंच और यहाँ से 4.25 इंच लेते हुए ऐसी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की तरफ ले जाएंगे। अब नीचे से विथ में रखा है मैंने 1.5 इंच और नेक लेंथ में रखे है मैंने 2 इंच, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हुए प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। अब देखिए, साइड से सिलाई मार्जिन के लिए 1/2 इंच बड़ा लेना है और नीचे से डार्ट का हमें 1.5 इंच बढ़ा कर ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से कपड़े को हम ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए छाट लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मार्किंग के हिसाब से ही कट करना है, आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद कट करेंगे फ्रंट का। अभी बैक का ही आर्म होल हमें कट करना है, नेक को भी कट कर लेंगे और नीचे से हमने फैब्रिक को छाट लिया है उसको भी हमें कट कर लेना है। तो जो प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको भी अलग कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से सभी पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। अब साइड से हमने जो छाटा है कपड़े को 1/2 इंच पर छाट लेंगे। अब मेन फैब्रिक के साथ हमें कट करना है, मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब इसके हम देखेंगे स्टिचिंग। तो देखिए, मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। अस्तर का फैब्रिक हमारा मेजरमेंट के हिसाब से है तो इसी के लिए हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। अब हमें पाइपिंग अटैच कर लेनी है। तो कॉन्ट्रास्ट में मैंने एक गोल्डन पट्टी ली है और उसको हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से पट्टी को फोल्ड कर लेना है और पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे और पट्टी को पूरा पलटाते हुए पाइपिंग को बाहर की तरफ निकालते हुए हम फिनिशिंग के साथ उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच कर लेनी है। जितनी आपको पतली चाहिए उतनी पतली रख सकते हैं आप, पाइपिंग आप अपने हिसाब से रखिए और उसी के बराबर से स्टिच कर लीजिएगा। अब प्रिंस कट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे से ही अटैच कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारा कम ज्यादा हो तो आर्म होल की गोलाई में हम उसको छाट लेंगे, इसलिए हम आर्म होल की गोलाई स्टिचिंग के बाद देते हैं। देखिए, बराबर जो हमारी पाइपिंग की स्टिच है उसी के ऊपर हमारी स्टिच आनी चाहिए।
जो अटैच करते वक्त प्रिंस कट पार्ट अटैच करते वक्त पाइपिंग के ऊपर जो हमारी स्टिच रहती है उसी के ऊपर स्टिच करते हुए हम ये अटैच कर लेंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अभी हम आर्म होल की गोलाई दे सकते हैं। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब दोनों पार्ट रेडी होने के बाद सेंटर से हम छोटा डॉट देंगे, इससे हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। अब फैब्रिक को सीधा छाड़ लेना है और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही अटैच कर लीजिएगा और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम पट्टी को अटैच कर लेंगे और पूरी पट्टी को हमें ऐसे कट्स लगा लेने हैं। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक सिलाई कर लेंगे। रफ स्टिच कर लेनी है, आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हाई हुक की पट्टी हमें अटैच कर लेनी है, तो मैं ये हाई की पट्टी ले अटैच कर रही हूँ। मेन फैब्रिक के लिए है मैंने हाई की पट्टी। अब हाफ इंच का मार्जिन जो हमने हाई हुक के लिए छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पौना एक इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें हाई की पट्टी अटैच कर लेनी है और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से और जो एक्स्ट्रा आ रही पट्टी उसको कट कर लेना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट को हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो हुक की पट्टी हमेशा अस्तर के फैब्रिक की ही लीजिएगा, वो नीचे की तरफ जाती है इसलिए हम अस्तर के फैब्रिक की हुक की पट्टी अटैच करते हैं। अब पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। आप चाहे तो रफ स्टिच भी दे सकते हैं, बाद में हम सुई धागे से उसको स्टिच कर सकते हैं। मैं फाइनल स्टिच ही कर रही हूँ। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। अब नेक रेडी करने से पहले हाई हुक की पट्टी हम चेक कर लेंगे, कम ज़्यादा हो तो हम उसको छाट सकते हैं। अब मैंने तिरछे में अस्तर के फैब्रिक की ही पट्टी ली है तिरछे में और उसको एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। अब पूरे नेक को ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। मैंने इसका बैक पार्ट पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डीप नेक पर ही हमने बैक पार्ट बनाया है इसलिए फ्रंट पार्ट भी हम डीप नेक का बना रहे हैं। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट के हमें नेक रेडी कर लेने हैं। देखिए ऐसे दोनों पार्ट के नेक रेडी कर लेंगे। अब दूसरे पार्ट को भी हमें पट्टी को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। अब हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे, हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे और उसी के ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम कपड़े को कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।